हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडो सर्वर 2012 में हम लोग FSRM कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे कि लास्ट की 3 वीडियो में हम लोगों ने FSRM को डिस्कस किया है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि FSRM के थ्रू हम लोग फाइल स्क्रीनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अभी 2 फोल्डर अवेलेबल हैं। ए ड्राइव में विशु हार्ड, जिस पर हमने हार्ड कोटा प्रोवाइड किया हुआ है, एक है विशु सॉफ्ट के नाम से, जिस पर हमने सॉफ्ट कोटा प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि विशु हार्ड या विशु सॉफ्ट किसी भी एक पर्टिकुलर फोल्डर में या दोनों ही फोल्डर में एक पर्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन का डेटा जो है वो कॉपी ना किया जा सके। ठीक है, देखिए जरा यहां पर फाइल स्क्रीनिंग के लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं, फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। इसको एक्सपेंड कीजिए। सबसे पहले आइए यहां पर फाइल ग्रुप। देखिए यहां पर बहुत सारे फाइल ग्रुप ऑलरेडी हमें मिलते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो फाइल, ब्लॉक ईमेल फाइल, ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल फाइल, ब्लॉक इमेज फाइल, ये आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी एक नई एक्सटेंशन फाइल भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट फाइल ग्रुप पर क्लिक कीजिए, यहां पर फाइल ग्रुप नेम प्रोवाइड कीजिए। मान लीजिए मैं इसमें माय ग्रुप के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करता हूं, फाइल ग्रुप। अब यहां पर देखिए स्टार डॉट बैट, मैं चाहता हूं जिस भी फाइल का नेम कुछ भी हो, क्योंकि मैंने यहां पर स्टार यूज किया है, तो नेम कोई भी हो लेकिन डॉट बैट एक्सटेंशन की फाइल जो है उसके लिए मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं। ऐड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और चाहे तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्टार, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जिस भी फाइल के नेम में पहले या बाद में विशु वर्ड आ जाए। देखो विशु से पहले भी स्टार है और विशु के जस्ट बाद भी स्टार रखते हैं, डॉट बैट, एक ऐसी डॉट बैट फाइल जिसमें जस्ट विशु वर्ड अगर आ जाए तो वो कॉपी हो सके, सेव हो सके। ऐड पर क्लिक कीजिए, ये आप देख सकते हैं यहां पर। अब विशु के अलावा अगर फाइल नेम में विशु वर्ड यूज नहीं हो रहा है तो कॉपी नहीं हो पाएगी। ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं माय ग्रुप के नाम से ग्रुप क्रिएट हो गया है, इंक्लूड की हमने डॉट बैट फाइल और ये हमने एक्सक्लूड की है विशु। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए फाइल स्क्रीन्स पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट फाइल स्क्रीन, इस पर क्लिक कीजिए, पाथ प्रोवाइड कीजिए ब्राउज के थ्रू, डेटा ड्राइव में विशु हार्ड। ठीक है, इस फोल्डर में डिफाइन फाइल स्क्रीनिंग प्रॉपर्टीज, कस्टम प्रॉपर्टीज और यहां पर एक्टिव स्क्रीनिंग या पैसिव स्क्रीनिंग। एक्टिव स्क्रीनिंग का मीनिंग है कि डॉट बैट फाइल कॉपी नहीं हो पाएगी, ये आप देख सकते हैं। एक्टिव स्क्रीनिंग इज डू नॉट अलाउ यूजर टू सेव अनऑथराइज फाइल, और पैसिव स्क्रीनिंग मेड यूजर अलाउ होंगे डॉट बैट फाइल सेव करने के लिए, अलाउ यूजर टू सेव फाइल। ठीक है, तो मैं अभी एक्टिव स्क्रीनिंग रखता हूं और यहां से आप जो हमने अभी माई ग्रुप के नाम से ग्रुप क्रिएट किया था उस पर चेक मार्क कीजिए, उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमने डॉट बैट फाइल यूज किया था एक्सटेंशन,
और अगर आप यहां से भी इसको यूज नहीं करना चाहते हैं, चाहे तो आप यहीं से ही एक अनदर फाइल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक कीजिए, देखिए सेम वही ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक अनदर फाइल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, अभी मैं अपना ही यूज करूंगा, फाइल ग्रुप माय ग्रुप के नाम से है जो। चाहे तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, देखिए देख सकते हैं आप यहां पर, चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं, इसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सक्लूड में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और ओके पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज का मीनिंग है कि अगर कोई भी यूजर विशु हार्ड नाम के फोल्डर के अंदर डॉट बैट फाइल कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसका ईमेल जो है एडमिनिस्ट्रेटर को पहुंच जाए, ठीक है। और मैं चाहता हूं उस यूजर के पास भी ईमेल पहुंच जाए, या उस यूजर को भी मेल रिसीव हो जो यूजर उस फोल्डर में डॉट बैट फाइल कॉपी करने का कोशिश कर रहा है। ये सब्जेक्ट भी आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मैसेज बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट, सेंड वार्निंग और रिपोर्ट भी आप यहां से जनरेट करा सकते हैं, फाइल्स बाय ओनर, रिपोर्ट भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाए और यूजर के पास भी जाए रिपोर्ट। ये भी अभी हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके पर क्लिक कीजिए, क्रिएट पर क्लिक कीजिए, सेव द कस्टम फाइल स्क्रीन विदाउट क्रिएटिंग अ टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, ओके। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग विशु ई ड्राइव के अंदर विशु हार्ड फोल्डर में हम लोग एक किसी भी नेम से डॉट बैट फाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, मैं यहां पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूं, ठीक है। कोई भी डेटा हम लोग रख लेते हैं, ये थोड़ा सा इनक्रिप्टेड लैंग्वेज का डेटा है, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। फाइल पर क्लिक कीजिए, सेव एज। मैं सेव करना चाहता हूं माय कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव में विशु हार्ड, यही फोल्डर था हमारा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, हाँ विशु हार्ड यही फोल्डर है हमारा जिसको मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है। इसमें मान लीजिए मैं राम डॉट बैट के नाम से फाइल सेव करना चाहता हूं, ठीक है, राम डॉट बैट फाइल सेव करना चाहते हैं हम लोग विशु फोल्डर में, जब सेव पर क्लिक कीजिए, देखिए यहां पर ई ड्राइव में विशु हार्ड फोल्डर में मैं सेव करना चाहता हूं राम डॉट बैट फाइल, और मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ है, यू डोंट हैव परमिशन टू सेव इन दिस लोकेशन, ठीक है, यानी कि आपको इतनी परमिशन नहीं है कि आप इस नेम से इस एक्सटेंशन की फाइल इस लोकेशन पर सेव कर सके। चाहे कितनी बार भी सेव करने की कोशिश कीजिएगा, सेव नहीं होगी, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम लोग इस नेम से पहले या बाद में विशु वर्ड यूज कर लेते हैं, देखो जरा, राम विशु डॉट बैट फाइल जो मैंने एक्सक्लूड किया था विशु डॉट बैट, सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जरा, मैं यहां पर आपको और भी कंफर्म करा देता हूं, क्योंकि हमने उस फाइल में विशु वर्ड यूज किया था और विशु डॉट राम विशु डॉट बैट फाइल जो है वो कॉपी हो गई है, ठीक है डिया। तो अब हम लोग कंफर्म करते हैं, क्या इसके रिगार्डिंग कोई ईमेल गया है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ये देखिए जरा, ये देखो जरा, यहां पर अनऑथराइज फाइल फ्रॉम द माई ग्रुप, ये ग्रुप नेम है, इसको देखिए जरा, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर अटेम्प्टेड टू सेव विशु हार्ड में
राम डॉट बैट फाइल को सेव करने का अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग एक ईमेल भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास आया है, फाइल रिपोर्ट, ये आप यहां पर देख सकते हैं। इस कंप्यूटर से ई ड्राइव में विशु हार्ड के लिए फाइल जनरेट हुई है, ये पूरा देख सकते हैं आप यहां पर, ठीक है डिया। इस तरह हम लोग फाइल स्क्रीनिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि वापस वहीं पर चलते हैं, चाहे तो हम लोग इन टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से ही एक नई टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट को यूज करने के लिए फाइल स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट फाइल स्क्रीन, यहां से आप पाथ प्रोवाइड कीजिए, विश यू हार्ड, ओके पर क्लिक कीजिए। और यहां से अगर आप चाहते हैं कि विश यू हार्ड नाम के फोल्डर में ऑडियो या वीडियो फाइल कॉपी ना की जा सके, या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल कॉपी ना की जा सके, इमेज फाइल, ईमेल फाइल, इस टाइप की अगर फाइल आप सेव नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहां से इनको ऑडियो या वीडियो फाइल को आप यूज कर सकते हैं टेम्पलेट के थ्रू, ठीक है डियर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग FSRM की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।